लोदीपुर थाना क्षेत्र में बीती रात 25 से 30 राउंड फायरिंग और साथ ही बम का धमाका यहां की पुलिस की नींद हराम कर दी है। भागलपुर में लगातार हो रही गोलीबारी और बमबारी, पुलिस आखिर खामोश क्यों है? प्रशासन क्यों मूक दर्शक बनी हुई है? कार्रवाई होने में इतनी लापरवाही और इतना देर क्यों होता है? सीधे सवाल खड़ा करते हैं भागलपुर के प्रशासन पर। बताते चलें कि भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में देर रात अपराधियों ने तकरीबन 25 से 30 राउंड पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग किया है, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। घायल के परिजन के मुताबिक बताया जा रहा है कि शराब व गांजा कारोबारियों ने पहले तो बमबारी किया, उसके बाद घर के दरवाजे पर आकर बदमाशों ने 25 से 30 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें प्रदीप कुमार की मां को गोली लगने से घायल हो गई। आनन फानन में परिजन घायलों को उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। बताते चलें कि जिला में हो रहे बमबाजी मामले में लोदीपुर थाना क्षेत्र का सबसे ज्यादा कांड सामने आ रहा है। आए दिन यहां पर वारदात होते ही रहते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखे मूक दर्शक बनकर घटना को देखते ही रह जाती है या घटना स्थल पर कई घंटे बाद पहुंचती है, जिससे ना तो पुलिस के हाथ कोई अपराधी पकड़ में आता है और ना तो इस पर कोई कार्रवाई हो पाती है। इसके चलते अपराधियों में पुलिस का खौफ दूर दूर तक समाप्त हो गया है। परिजन ने बताया कि वह लोग शराब गांजा का कारोबार करते हैं और स्थानीय थाने को पैसे देकर मैनेज कर लेते हैं, जिसके वजह से अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि रात होते ही पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से गूंजने लगता है। अब सवाल ये भी उठता है कि अपराधी इतने बेलगाम हैं, फिर भी पुलिस कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती? उच्च अधिकारी भी इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? इस बात पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बीते दिन हुए बमबाजी मामले में पुलिस ने अभी तक कोई अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दूसरा मामला फिर एक बार बनकर तैयार हो गया। बहरहाल अब देखने वाली बात यही होगी कि भागलपुर पुलिस और लोदीपुर थाना पुलिस कब तक अभियुक्तों को गिरफ्तार करेगी। इधर परिजन घायल को मायागंज में उपचार करवा रही है। भागलपुर से बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। सर, रात 9:30 से 10 बजे के बीच में हमारे घर पे पवन कुमार, गगन कुमार, जिनके पिताजी का नाम महेश प्रसाद यादव है और उन्हीं के से परिवार में रईस यादव, जिनके पुत्र का नाम लालू यादव और उसके छोटे पुत्र का नाम नीतीश कुमार यादव हुआ, और ये लोग और एक है लाल बहादुर बिहारी, जिनके पुत्र का नाम है सोनू कुमार और आशीष कुमार। ये लोग सर 9 महीने से दारू का धंधा, ब्राउन शुगर का धंधा गलत तरीका से लीवर सेवा धंधा कर रहे थे 9 महीने से। कारण सर किसी ने नापी दिया, ये लोग बाय जबरन मेरे ऊपर दबाव डाल के फंसाने की साजिश में मेरे घर पे 9:30 बजे रात में हमला किया। हमला करने के बाद मेरी माँ जी को गोली मारा पवन कुमार यादव, जिसमें कि बम फेंकने में ललन यादव, नीतीश कुमार और लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर बिहारी जो यादव है उनका बेटा सोनू यादव हमारे गेट में कम से कम 9 mm पिस्टल से 25-30 राउंड मारे और 4 बम फेंके, जिसमें कि मेरे माँ, परिवार, बच्चा सारा घायल। उन लोग का कहना है कि हम लोग जो अनलीगल धंधा यहाँ पे कर रहे हैं ये सारा पैसे पुलिस को तुम दे रहे हो, जो कि पुलिस लोदीपुर थाना अमर कुमार शाह जो है वो मिला हुआ, ठीक ना, और जिनके साथ सहयोग में विनय चौकीदार सातन पोखड़ का वो सबसे बड़ा भूमिका निभा रहे हैं इस सब के सहयोग में। जी सर, हमने जब हम थाना से सूचना देने के लिए गए सर, फोन किए तो वो उल्टा आके बोल रहे हैं कि गोली तुम चलाए हो, बम तुम चलाए हो और एग्जाम दूसरे पे लगा रहे हो, जिसमें कि अमरनाथ कुमार साहब और ये क्या बोलते हैं विनय कुमार चौकीदार
इस लोगों से ये 9 महीने से जो अनलीगल धंधा ब्राउन शुगर दारू का गंजा का कर रहे थे, इसमें सारा कमीशन इन लोग के जा रहा था। और ये लोग अनलीगल तरीका से भू माफिया के तरीका से वहाँ पे धंधा कर रहे हैं। और हम अभी क्या वजह रही आपके साथ? अब की अभी वजह यही हुआ सर, लोग अभी जो ये 9 महीना से धंधा कर रहे थे दारू का, तो ये लोग का दारू हमारे घर के बगल में पकड़ा गया। उन लोग का कहना हुआ कि ये एक मैसेज अजय कुमार यादव लोधीपुर थाना को दिए, जो कि ऐसा कोई बात नहीं है सर। लोधीपुर थाना खुद पवन कुमार से मिला हुआ, ठीक ना? ये सारा प्रूफ ही है सर, ब्राउन शुगर का धंधा जो भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। और वो लोग इस मामले में कितना बार, जी सर, गोली चलने के बाद जब हम थाना में गए तो अमर कुमार जो है जो थाना अध्यक्ष, वहाँ से हमको धोप के भगा दिया गया। बोला तुम लोग का मैटर ऐसे होते रहता है, तुम लोग यहाँ से फ्री हुआ, तुम लोग का क्या लेन देन आपस में तुम लोग समझो, ठीक ना? लेकिन ये लोग अलीगल धंधा करते हैं, ठीक ना? जिसमें मेरे दो भाई को रात में ही आए, मेरे जिसका एक भाई का नाम है सोनू कुमार और एक भाई का मेरा नाम है उदय कुमार। हम रहने वाले हैं लोधीपुर पंचायत बसंतपुर गांव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय यादव हुआ सर। हम प्रदेश महासचिव से जुड़े हुए हैं, ठीक ना सर? और इस नज़र से अलीगल धंधा से हमको अगला इन्वाइट किया था, कोई भी तरह का कहीं अगर समस्या आवे तो हमें कॉल।